हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नौशादा पब्लिक स्कूल भूना। वेलकम इन डे 12 ऑफ क्लास 5 ईवीएस यूनिट 2 ऑर्गन सिस्टम एंड डिजीजेस। इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड दिस यूनिट एंड स्टार्टेड द टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू नो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन विच आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। ओके, अब जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। वो क्या है? एक ऑर्गन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेट मी सी द हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम मेक्स, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कैसे बनता है और कौन कौन से पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। देखिए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो पार्ट है सब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के है। दिस इज अब यहाँ पे हमारा नोज है। नोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। और बिल्कुल अंदर जाके यहाँ वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी। और उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? फैरिनेक्स। ओके, दिस पार्ट इज द राइट ब्रोंकस एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस। दीज आर, ये इसके लंग्स के बीच में जो है, दीज आर द ब्रोंकियोल्स। एंड लंग्स के बाहर इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग। दीज आर द ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट मी डिस्कस वन बाय वन ईच ऑर्गन। फर्स्ट इज नोजल कैविटी। नोजल कैविटी क्या है? हमारे नोज में क्या होते हैं? दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसके अंदर से जो एयर है वो नोजल कैविटी में पास हो जाती है। अब नोजल कैविटी में क्या होती है? हेयर्स होते हैं। अब हेयर क्या करते हैं? जो डस्ट या फिर डर्ट होती है उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं जो भी एयर में प्रेजेंट है। और एयर जो है, क्लीन एयर, वो हमारे अंदर मतलब पहुंच जाती है। ठीक है, ये नोजल कैविटी का काम है या फिर ये नोस्ट्रिल का काम है। नोस्ट्रिल के बाद हमने देखा टू नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, वहां से एयर पास होगी, कहां जाएगी? नोजल कैविटी के अंदर, जिसमें हेयर प्रेजेंट है। हेयर क्या करेंगे? एयर को क्लीन करके अंदर की तरफ सेंड कर देंगे। नेक्स्ट इज नोजल कैविटी। अब नोस्ट्रिल की बात आती है नोजल कैविटी। ठीक है, इसके बीच में से एयर पास होके हमारे बॉडी तक पहुंच जाएगी। और नोजल जो कैविटी है, दिस इज द नोजल कैविटी, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। अब म्यूकस क्या करेंगे? एयर को मॉइस्चर बना देते हैं, मॉइस्चर करके फिर ये अंदर पास होती है। नेक्स्ट इज द फाइनक्स। इसमें क्या होता है? ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है? नोजल कैविटी को ट्रैकिया से कनेक्ट करती है। दिस इज द ट्रैकिया। ये क्या कर रही है? नोजल कैविटी को किससे? ट्रैकिया से कनेक्ट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनक्स। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया है विंड पाइप है थ्रू विच एयर पास टू द लंग्स। दिस इज द विंड पाइप। ठीक है, जहां से एयर जो है दोनों लंग्स में से पास हो रही है, मीन्स राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में से, राइट से राइट में जाएगी और लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगी। दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एक विंड पाइप है जहां से एयर पास होके लंग्स में जाएगी। ओके, दिस इज द ट्रैकिया। ओके, TRACHEA, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज द विंड पाइप, यहां से एयर पास होगी और लंग्स के अंदर चली जाएगी। अब नेक्स्ट इज द लंग्स। लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो क्या है? बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट है। दिस इज लंग, दिस इज ऑल्सो लंग, लेफ्ट राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब ये इनका जो कलर है वो पिंक होता है। लंग्स आर पिंक इन कलर। वाई? बिकॉज एयर स्पेस आर प्रेजेंट इन देम। इसके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज की वजह से इसका कलर रेड, और उसके बीच में स्पेस होते हैं जिसकी वजह से ये पिंक दिखाई देते हैं। ओके, और ब्लड कैपिलरीज फिल विद ब्लड। नेक्स्ट इज ब्रोंकी। अब ब्रोंकीज क्या है? इन द लंग्स द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स। देखो लंग्स, ये लंग्स है, जो ट्रैकिया है यहाँ पे टू ट्यूब्स में डिवाइड हो गया। एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है। ठीक है, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकीज बोलते हैं। राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। नेक्स्ट इज ब्रोंकियोल्स। अब ईच ब्रोंकस
डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स, हर एक ब्रोंकस टू ट्यूब में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज एल्वियोली, ओके एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इनटू टीनी एयर सैक। अब जो ब्रोंकियोल्स है उसके अंदर टीनी एयर सैक्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होती है, थिन वॉल्स होती हैं इस टाइप से बना रखे हैं, इस टाइप से थिन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली में। नेक्स्ट इज डायफ्रेगम, डायफ्रेगम कल हमने रीड किया था, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है ना, और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा जिसकी वजह से एयर इन जाएगी और बाहर आएगी, एक्सपेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी वजह से एयर इन और आउटसाइड जाती है। नेक्स्ट इज डायफ्रेगम, लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द रिबकेज। अब लंग्स जो है यहाँ पे रिबकेज भी प्रेजेंट होता है, लंग्स जो है रिबकेज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट मसल्स, और इसके अंदर बहुत सारी फ्लैट मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायफ्रेगम। लेट वी रिकॉल द फंक्शन ऑफ डायफ्रेगम। कल हमने देखा था कि जब डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा, उसकी वजह से जो लंग्स हैं वो भी नीचे की तरफ जाएंगे और जो रिबकेज है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एयर अंदर जाएगी। लेकिन जब एक्सपेंड होंगे, मूव्स होंगे, अपवर्ड मूव होंगे, तो लंग भी अपवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या है, एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी और रिबकेज जो है वो इनवर्ड चला जाएगा। तो दीज आर द ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। सो स्टूडेंट यू हैव टू रीड SR1 एंड SR2 फ्रॉम योर रीडिंग बुक EVS पार्ट 1। अब देखिए SR1 में क्या है, ब्रीदिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, एंड SR2 में पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर बुक। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।